क्या आप भी ऐसे पेड़े बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा ये पेड़ा बनकर तैयार हुआ है, वो भी मिल्क पाउडर से। हाँ, लेकिन इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें मिल्क पाउडर को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, नहीं तो ये दानेदार हो जाएगा, फिर हमारा पेड़ा अच्छा से बन के तैयार नहीं होगा। तो हमें मिल्क पाउडर को कम कुक करना है। और सेकेंड है कि दूध हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है, ना तो ज़्यादा ठंडा और ना ही उबला हुआ। और फिर आप ऐसे पेड़े बना के खा सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और दीपावली की तैयारी बहुत जोरों शोर से चल रही होगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर का पेड़ा। तो मैंने पूरे फुल एक बॉल मिल्क पाउडर लिया है। और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें सिर्फ मिल्क पाउडर चाहिए और थोड़ा सा शुगर चाहिए। मैंने यहाँ पर पूरे फुल बॉल लिया है मिल्क पाउडर, और ठीक उसी बाउल से हमने यहाँ पे लिया है शुगर, जो बिल्कुल हाफ है और हाफ से भी थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि पेड़ा ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हमने थोड़ा कम लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, पूरे हाफ ले सकते हो, ठीक है। और थर्ड नंबर हमें चाहिए मिल्क, ठीक है, मिल्क चाहिए। तो ये रहा मेरा मिल्क, आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल मिल्क है ये। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों को मिक्स करेंगे। और मिल्क हमने कितना लिया है ये हम आपको बताएंगे बाउल से ही मेजर करके, ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। आपके पास कोई भी प्याला हो, कोई भी बाउल हो, या कुछ भी हो जिसमें आप बनाना चाहते हो, तो आपको मेजर के लिए यही करना है कि यहाँ पे मैंने फुल लिया है और ये हाफ से थोड़ा सा कम लिया है, साइज़ दोनों का एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको डबल करोगे तो इसे आप डबल कर देना, तो फिर इसे भी डबल कर देना। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे हम कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, और हम क्या करेंगे इसको मिक्स पैन में ही कर देंगे, ताकि हम ज़्यादा बर्तन को नहीं यूज़ करें। तो इसीलिए जो ये मिल्क पाउडर है इसको हम डाल देंगे पैन में, और इसके बाद से जो शुगर है हमारा, ये नॉर्मल शुगर है जो हम खाते हैं, आपके पास पिसी हुई हो तो आप उसको भी डाल सकते हो। और थर्ड हमारा मिल्क है, तो मिल्क को हम इसी बाउल में मेजर करेंगे कि कितना मिल्क हमने इसमें ऐड किया है। तो पूरे हमने वन बाउल से थोड़ा सा कम है ये मिल्क लिया है। अब इसको हम देखते हैं मिला के। डाल देंगे इसको हम, इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है ताकि इसमें गाँठें ना रहे। और हमारी चीनी भी घुल जाए, तो इसको अच्छे तरीके से आप मिला लो। आप देख सकते हो हमारा मेटर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा और इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं, फिर हमने हाफ बॉल्स लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा पतला चाहिए, क्योंकि पकना भी तो चाहिए ना थोड़ी देर। और इसको अच्छे तरीके से हमें मिला लेना है, ताकि हमारा शुगर मिल जाए और इसमें गाँठें बिल्कुल ना पड़े, ताकि हमारा पेड़ा बिल्कुल परफेक्ट बने। ये बहुत तेज़ी से बन जाता है, बहुत जल्दी आप कम समय में इसे बना सकते हो। और फिर दीपावली में तो हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम घंटों बैठ के मिठाइयाँ बनाते रहें, इसलिए ये आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत तेज़ी से बन जाता है। ये हम देख सकते हो हमने मिला दिया है इसको अच्छे तरीके से। अब मिलाने के बाद हमको क्या करना है इसमें, इसको एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल पतला हमको मेटर तैयार करना है। इसके बाद से हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है। तो ये हमने लिया है घी, 2 टेबल स्पून घी है हमारा। तो 2 टेबल स्पून में से हम इसमें से हाफ इसमें यूज कर लेंगे अभी, ओके। और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसमें मैश कर लेंगे, ताकि हमारे जो पेड़ा बनेगा वो थोड़ा सा
सॉफ्ट होगा, उस पर शाइनिंग भी बनी रहेगी घी से। उसके बाद हम इसको गैस पे रखते हैं ओके कुक करने के लिए। अब घी हमारा मेल्ट होने लगा है, आप देख सकते हो। और इसको हमें गाढ़ा होने तक पकाना है ऐसे ही चलाते हुए, क्योंकि मिल्क पाउडर नीचे बैठ जाता है और दूध हमारा ऊपर चला जाता है, इसी वजह से हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो आप इसे चलाते हुए पकाओगे ताकि तले में नीचे चिपके नहीं। आप देख सकते हो अच्छे तरीके से उबाल आने लगा है, और इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है बिल्कुल ऐसे ही चलाते हुए, क्योंकि आप अगर इसे छोड़ दोगे तो मिल्क पाउडर हमारा नीचे रह जाएगा और फिर जल जाएगा वो, और फिर जब जल जाएगा तो उसमें पेड़े में जलने की बू आने लगेगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा हमें, इसीलिए आपको इसको चलाते हुए पकाना है गाढ़ा होने तक, ठीक है। आप देख सकते हो ये गाढ़ा होना अब अच्छा तरीके से शुरू हो गया है। तो हमें क्या करना है, ये साइड साइड से ऐसे करते हुए इसको चलाना है ताकि ये साइड में चिपके नहीं और जले नहीं। आपको जलने का खास ध्यान रखना होगा, ऐसे साइड साइड से आप किसी भी चम्मच की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ये लगभग अब गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसे पकाएंगे जब तक ये जमने के लायक नहीं हो जाए, ठीक है। आपको इसको चलाते हुए पकाना है, यकीन मानिए ये पेड़ा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आप एक बार इसे बना लोगे तो फिर आपको बिल्कुल आसान दिखेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो ये पूरे अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम एक मिनट तक और पकाएंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे ओके। अब हमें गैस को ऑफ करना होगा क्योंकि ये अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैंने एक प्लेट लिया, और प्लेट में हम क्या करेंगे, पहले घी को ग्रीस कर देंगे क्योंकि इसी में हम निकालेंगे अपना मेटर को। तो अच्छे तरीके से घी इसमें ग्रीस कर देंगे, जो घी हमने लिया था तो इसी को ऐसे हमने ग्रीस कर लिया जो बचाए थे। आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब मेटर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब फिर हमें इसे मसलना होगा, लेकिन अभी ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको मसलेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, तो फिर हम अपना पेड़ा बनाएंगे ओके। ये हमारा मेटर है और ये ठंडा हो चुका है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ही ठंडा हो गया। अगर ये हल्का हल्का गर्म रहेगा उसी वक्त आपको इसको अच्छे तरीके से ऐसे हाथ से मैश करना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे और हमारा पेड़ा रेडी। आपको इसको 5 से 10 मिनट तक इसको लगातार ऐसे चलाते हुए मैश करना है अच्छे तरीके से बिल्कुल, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये मैश अच्छा से नहीं, अपने ही सॉफ्ट करोगे तो फिर हमारा पेड़ा अच्छा नहीं लगेगा खाने में, फिर आप कहोगे क्या बना रखा है। मैंने इसे 10 मिनट तक अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे किया है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया। आप देख सकते हो एक डो के रूप में ये रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे और फिर इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे, ठीक है। आपको जिस साइज का पेड़ा बनाना है आप वैसे बना सकते हो। बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हाथ में पहले अच्छे तरीके से घी को लगा लेंगे ताकि ये अच्छा तरीके से हम बना सकें गोल गोल। तो उसको ऐसे हम इसको अच्छे तरीके से गोल करेंगे, और गोल करने के बाद से आप सारे बॉल्स को हम गोल कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने सारे को छोटे छोटे बॉल्स में बना लिया है। अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप इसको बड़ा कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे, ठीक है, और फिर रख देंगे इसी तरह से सबको, सब पे करेंगे। आराम से आप प्रेस करोगे, नहीं देख सकते हो बिल्कुल बाजार वाला पेड़ा हमारा तैयार हुआ है। बाकी सब भी हम इसी तरीके से करेंगे। हमने सारे पेड़े को इसी तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके रख दिया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर ये दिखने में लग रहा है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है ओके। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद हमारे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ये रहा हमारा पेड़ा, बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। मैं इसको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बना है, ठीक है। देख सकते हो कितना सॉफ्ट है ये, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है इसलिए बहुत सॉफ्ट बना है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा।